subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे गाइस नमस्कार, मैं हूँ विशाल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं स्क्रीन ही दिखा रहा हूँ। वैसे तो अपनी फ़ोटो दिखाता हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा सिस्टम नहीं है मेरे पास कि मैं फ़ोटो दिखा के वीडियो बना पाऊँ, तो सॉरी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल क्रोम को एक अपडेट करने के लिए कहा है गूगल ने, और क्यों कहा है ये हम आज जानने वाले हैं। तो ये एक टेक न्यूज़ है, तो इस टेक न्यूज़ को आप लोग सुनिए और अपने गूगल क्रोम में यूज़ कीजिए, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स को दी वार्निंग, फॉरन अपडेट करें क्रोम ब्राउजर। प्रणेश तिवारी, नवभारत टाइम्स कॉम, अपडेटेड 4 नवंबर 2023 hours 31 minutes and 0 seconds PM। अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हैं और फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल है तो फॉरन उसे अपडेट कर लेना चाहिए। सर्च इंजन कंपनी गूगल की ओर से लेटेस्ट अपडेट में गूगल क्रोम का एक खतरनाक बग फिक्स किया गया है। इस बग की मदद से अटैकर्स गूगल क्रोम सिक्योरिटी सैंडबॉक्स को बाईपास कर सकते थे और ओएस में बदलाव कर सकते थे। सांकेतिक तस्वीर, नई दिल्ली। एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बग्स और मैलवेयर से बचे रहने की होती है। गूगल को जैसे ही किसी बग का पता अपने सिस्टम में चलता है, वही यूजर्स को अलर्ट कर देता है। एक बार फिर गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स को वार्निंग दी है और गूगल क्रोम ब्राउजर अपडेट करने को कहा है। गूगल की ओर से ब्राउजर में 0 डे बग को पैच किया गया है और यह एक जरूरी अपडेट है। सर्च इंजन कंपनी गूगल की ओर से कहा गया है कि क्रोम ब्राउजर में मौजूद बग की मदद से यूजर्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आए बग की वजह से अटैकर्स को क्रोम सिक्योरिटी सैंडबॉक्स बाईपास करने का ऑप्शन मिल गया था। ऐसा करने के बाद अटैकर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड रन कर सकते थे और कई बदलाव बिना यूजर्स को पता चले कर सकते हैं। पढ़े, अंडर डिस्प्ले कैमरा जो सैमसंग एप्पल ना कर पाया, नोकिया ने कर दिखाया। विंडोज में भी मिला था यही बग। गूगल की ओर से क्रोम फॉर एंड्रॉइड ब्राउजर के लिए सिक्योरिटी अपडेट रिलीज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है क्रोम फॉर एंड्रॉइड वर्जन 86.04240.185 रिलीज कर दिया गया है और इसमें -2020 के वर्ड स्कूलो -16010 बग को फिक्स कर दिया गया है। पिछले महीने भी गूगल के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक 0 डे खामी का पता लगाया था। पढ़े, व्हाट्सएप से खराब नहीं होगी क्वालिटी, फुल रेजोल्यूशन में ऐसे भेजे फोटो वीडियो, खाली हो सकता है अकाउंट। प्रोजेक्ट जीरो के टेक्निकल हेड बेन हॉक्स ने कहा कि इस खामी को विंडोज यूजर्स के लिए भी 10 नवंबर तक फिक्स कर दिया जाएगा। आपको पता दें कि 0 डे से जुड़ी खामी की मदद से अटैकर्स आपके स्मार्टफोन या फिर सिस्टम की सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बिना यूजर को पता चले उसका पर्सनल डेटा चोरी या शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग डिटेल्स की मदद से पैसों की चपत भी लगाई जा सकती है। यह समाचार आप पढ़ रहे हैं केवल और केवल दिव्यांग न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरी एडमिन टीम पैनल के साथ, यानी सत्यम वर्मा, फिरोज आलम एवं गौरव कुमार के साथ। ऐसे ही दिव्यांग लोगों से संबंधित न्यूज पाने के लिए फॉलो करते रहे दिव्यांग न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप को। अगर आप भी दिव्यांग लोगों से संबंधित मुख्य समाचार, दिव्यांगों के लिए प्रमुख योजनाएं एवं प्रेरणादायक कहानी जो दिव्यांगों से संबंधित है आदि पाना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप दिव्यांग न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। दिव्यांग न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको दिए गए नंबरों पर अपना नाम एवं पता तथा अपनी दिव्यांगता लिखकर या वॉइस मैसेज में भेजनी होगी। हमारे द्वारा आपको समूह में समूह की नियमावली को भेजकर जोड़ लिया जाएगा। समूह में जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम, पता एवं दिव्यांगता लिखकर हमारे पास तक पहुंचाएं। जुड़ने के लिए यहां पर क्लिक करें। सत्यम वर्मा मोबाइल नंबर https://var.me/9173793979979।
फिरोज आलम मोबाइल नंबर https://var.me/9194723254355। गौरव कुमार मोबाइल नंबर https://var.me/9189937851253। बने रहे दिव्यांग न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। आप सभी का आभार प्रकट करते हुए सत्यम वर्मा, गौरव कुमार एवं फिरोज आलम। सत्यम वर्मा दिव्यांग न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप, गौरव कुमार दिव्यांग न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप, फिरोज आलम दिव्यांग न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप। समाचार पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लिस्ट 12 आइटम्स।